बम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा क्या क्या कुकु दो एक जन दुष्ट गोरु जरा हम्बा हम्बा रो रो करे हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। समझ में आए तो मुझे भी समझा दीजिएगा दोस्तों, मेरे समझ में और मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कल हम सब ने नानूर नरसंहार के बारे में जाना, नानूर नरसंहार नानूर हत्याकांड का एक झलक देखा। लेकिन जहां हमने नानूर की जिक्र की, हम सिंगूर और नंदीग्राम के बारे में ना जाने तो जानकारी अधूरी सी रहेगी, क्योंकि ये वही दो जगह है नंदीग्राम और सिंगूर जिसके कंधे पे सवार होके ममता आपा ममता से मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी बन गई। लेकिन क्या सच्चाई है सिंगूर की, क्या सच्चाई है वहां के निवासी और स्पेशली वहां के किसानों की, क्या आज भी सिंगूर के किसानों को रोजी रोटी मिल पाई है, क्या आज भी सिंगूर के किसान सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या और रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्या उनको एक शाम की रोटी भी नसीब हो रही है। जो सिंगूर कोलकाता से सबसे करीब, जो ममता दीदी के सबसे करीब है, लेकिन क्या ममता दीदी की नजर वहां तक पहुंच पाई है, जिस जगह की वजह से ममता दीदी ममता आपा एक ब्राह्मण कुल के घर में जन्मी ममता आपा बन गई, क्या उन्हें सिंगूर की परवाह है, क्या सोचती है सिंगूर और सिंगूर के किसान ममता आपा के बारे में। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कि क्या ममता आपा जो खुद एक ब्राह्मण कुल में घर के जन्मी ब्राह्मण की बेटी है शायद, लेकिन क्या अब्दुल की बहन महफूज है उनके कलमा पढ़ने के बाद भी। तो देखिए शाइनिंग इंडिया का एक छोटा सा रिपोर्ट। दीदी का तो खुद का शादी हुआ नहीं है, तो अगर उनका शादी होता तो उनको पता चलता कि एक लड़की को अगर ऐसे मुंह जुबानी बोल के उनको अगर हटा दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, उसका क्या होगा। एक तो हम लोग का मुस्लिम कल्चर। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि वो कितना महफूज महसूस कर रही है और क्या सोचती है बंगाल की विशेष समुदाय की बेटी, क्या उनकी विचारधारा है इस बात को लेकर, और सिंगूर को लेकर सिंगूर के किसान क्या सोचते हैं। मैं सिंगूर लेकर चलूं, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दियाता ये सिंगूर वासी, लेकिन इतना गुस्सा आ गया उनका पर तो मालूम नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए ये हमारे जैसे चासी है। आइडिया मिल गया होगा, साल 2006 से पहले शायद ही कोई सिंगूर का नाम सुना होगा या कोई जानता होगा, लेकिन कुछ पल ऐसा आया 2006 के बाद एक आंदोलन जो भूमि के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए एक ऐसा आंदोलन हुआ जो इस जगह सिंगूर की बातें इसको इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल तक ले गया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की बदौलत लेफ्ट विंग की विचारधारा की दीवारें हमेशा के लिए ढह गई और राइट विंग ने पश्चिम बंगाल में कदम रखा, एंट्री ली। लेकिन जहां ये टीएमसी के लिए संजीवनी, वही ममता बैनर्जी के लिए, ममता आपा के लिए सिंगूर साबित हुआ जैकपॉट। जी हां, इस किसानों की बदौलत वहां सिंगूर और नंदीग्राम के बदौलत, और इस जैसा आपने सुना होगा एक बहुत बहुत मेन वजह जिसकी वजह से सिंगूर बहुत चर्चित रहा था, ये जानना आपके लिए जरूरी है। साल 2006 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भूमि अधिग्रहण को लेके। विपक्षी दल ने टाटा मोटर्स को नैनो के लिए, नैनो उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग के लिए लगभग 1000 एकड़ की जमीन के लिए अनुमति दे दी थी। उत्पादन होती जमीन पे, रोजगार होता वहां के सैकड़ों हजारों लोगों को, रोजी रोटी मिलती, मजदूरी होती, और ऑफ कोर्स नो डाउट बहुत सारे चेंजेस आते। और जो लोग आज देख टाइम की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, जिनको एक रोटी नसीब नहीं होती, जो इतना परेशान है, आज इतनी बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी नहीं होती। लेकिन जहां वाम दल के लोगों ने इस बात को लेकर, वाम दल के नेताओं ने, सीपीएम के नेताओं ने इस बात की अनुमति दी थी, वहीं ममता आपा को इस बात को शुरू से ही एतराज थी। जैसे ही उनका कानून आया, जैसे ही उनकी सरकार आई, जैसे वो मुख्यमंत्री बनी,
इस बात को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और इस बात की उन्होंने घोषणा की और आश्वासन दिलाया वहां के किसानों को कि ये 1,000 एकड़ जमीन जो उनसे उन्हें बरगला के ली गई है उसे वो वापस दिलाएंगी। और बस इतना कहना था और उन्होंने अपने सियासत की फसल तो बोई लेकिन रोजगार की खेती नहीं होने दी, लेकिन बन गई किसानों की मसीहा। किसानों की मसीहा बनते ही सिंगूर के लोगों के लिए एक ऐसी महरानी मसीहा बन गई जिनके की दिल में सिर्फ और सिर्फ ममता आपा ही था। वहां से कई वक्त तक आंदोलन चलता रहा, आंदोलन की रफ्तार रोष तेज थी। अंत में यही हुआ कि टाटा मोटर्स अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर सिंगूर से चली गई वापस गुजरात और गुजरात के लोगों को अच्छे रोजगार मिले क्योंकि वहां ममता आपा नहीं थी। लेकिन सिंगूर के साथ जो हुआ वो भगवान न करे दुश्मन के साथ भी हो, क्योंकि आज तक ना ही वहां पे कोई रोजगार आया, ना ही कोई उद्योग आया, ना ही कोई फैक्ट्री आई, ना ही कोई फैक्ट्री का कोई उत्पादन हुआ, ना वहां के लोगों को कोई रोजी रोटी मिली, ना वो खेत अब खेती करने के लायक बचा। वो खेत अब खेत की स्थिति ऐसी हो चुकी है, इतनी बंजर हो चुकी है कि वहां पे अब खेती भी नहीं की जा सकती। तो ये तो था सिंगूर का, लेकिन ये सिंगूर के लोगों के दिल में कितना कसक और टीस मार रहा है ये आप इस वीडियो में देखिए। मिल जाता था लेकिन यहाँ पे कि आप जो टाटा बना पड़ा है ऐसा खेतीबाड़ी में कुछ खेतीबाड़ी में काम भी नहीं हो रहा है, ना फैक्ट्री ना हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ये तो सिंगूर की कहानी थी। नंदीग्राम में कोई बड़ी संरचनाएं नहीं हुई थी, इस तरीके से टाटा मोटर्स लेकर एक कोई प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए थे, लेकिन वहां भी सुनने में आता है कि केमिकल हब आने वाला था, लेकिन वहां पे भी ममता दीदी ने और वो जंग वहां भी भूमि अधिग्रहण का था, भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत जंग छिड़ी थी। और उस वक्त मिर्जापुर का अधिकारी परिवार ने ममता बनर्जी का साथ दिया, ममता आपा का साथ दिया। जहां बात नंदीग्राम का हो और मिर्जापुर के अधिकारी परिवार का नाम ना है जो कि इस क्षेत्र में जिनका, और क्षेत्र ही नहीं इसके आसपास के कई जिले में अधिकारी परिवार का काफी असर रहा है। मैं बात कर रही हूँ शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिनके की मदद से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन पाई। ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিডি ধারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। নন্দীগ্রাম মে ভি কোই রোজগার নহি, মমতি নন্দীগ্রাম মে ভি কোই ফ্যাক্টরি নহি, কোই হাব নহি। অন্ত মে লোগোঁ কা সাথ এসা হুয়া কি ও পলায়ন করনে লগে অর ইধর উধর জাকার কাম করনে লগে। लेकिन वहीं पे शुभेंदु नंदीग्राम ने जो ममता बनर्जी को मदद दिया उसके लिए उनको टीएमसी की तरफ से प्राइज में बहुत बड़े बड़े कार्यभार संभालने को दिए गए। उन्हें जहां जहां भी चुनाव होता उसका उन्हें प्रभारी बनाया जाता, लेकिन जहां भी उनको प्रभारी बनाया जाता उनका प्रभार और उनके कार्यकाल जो इतने अच्छे होते थे कि उनके वजह से जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत जाते थे। धीरे धीरे करके वो लोगों में और टीएमसी पूरे टीएमसी ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में पूरा दल में ये बहुत लोकप्रिय होने लगे। यूं तो उन्होंने ममता दीदी का ममता आपा का मदद किया था, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखकर ममता दीदी को आंखों में चुभने लगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी एक वक्त था जब वो लोकसभा के सांसद भी थे और वर्तमान काल में उनके पिता और उनके भाई लोकसभा के सांसद हैं और वो खुद पर्यावरण के मंत्री थे टीएमसी में। लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखकर उन्हें खुद तो बुरा लगने लगा था ममता आपा को, वहीं पे अपने भतीजा अभिषेक बनर्जी के लिए चुनौती नजर आने लग गए थे। बस शुरू हो गया उनका अपना राजनीति जो हमेशा की तरह खेलती है, वो गंदगी वाली। और उन्होंने वही काम किया अपने पालतू वफादार नेताओं के वश की मदद से कान भरने शुरू किए और शुभेंदु अधिकारी के लिए जहर घोलना शुरू किया। अंत में ये हुआ कि अब आज के वक्त में उन्होंने टीएमसी को त्याग कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज भी पूरा टीएमसी दो गुट में बट के रह गया है। बंगाल दो गुट में बट के रह गया है। अगर आप देखोगे तो एक दीदी दल है तो एक दादा दल है। दीदी मतलब ममता आपा, दादा मतलब शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे जब
2019 में बंगाल में और इतना ही नहीं पूरे भारत में जब मोदी लहर थी वहां पे बंगाल में कई सीटें बीजेपी हासिल कर पाई थी, लेकिन ये वो जगह है दक्षिण क्षेत्र जहां पे वो जीत नहीं पाई थी। तो इस तरीके से सिंगूर और नंदीग्राम की किस्मत और काया दोनों ही पलट के रह गई। उन्होंने ना कुछ खोया ना कुछ पाया, लेकिन खोने को और गिरते को वो गिरते ही रह गए। और ममता दीदी, बस ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, क्या अब यहाँ के लोगों के लिए कोई आशा की किरण बीजेपी लेकर आएगी? इन लोगों के लिए एक जो डर है, जो दहशत है, जिससे ये बोलने से भी डरते हैं, जिन्हें धमका के इलेक्शन में, चुनाव में वोट डालने को मना किया जाता है, किसी और को जबरदस्ती जिनसे चुनाव का वोट डलवाया जाता है, क्या अब इस डर से बाहर निकल पाएंगे? जिन्हें राम नाम से दिक्कत है, क्या वो भगवा पश्चिम बंगाल में फहरा पाएगा? क्या केसरिया रंग बीजेपी अपना पताका बंगाल में फहरा पाएगी? तो इसी के साथ बने रहिए, और इस पर कोई भी कमेंट हो तो कृपया करके मुझे इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।